स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का ये सब पोर्शन कवर करेंगे। स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली प्रिंसिपल और इसका अप्लीकेशन भी देखेंगे। तो फ्लूइड कहते किसको है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो सॉलिड तो फ्लो कर नहीं सकता है, लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लो करते हैं, तो उन दोनों को फ्लूइड बोला जाता है। तो वैसे प्लाज्मा स्टेट में भी जो सब्सटेंस होते हैं वो फ्लो ही करते हैं, वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, तो प्लाज्मा स्टेट भी फ्लो करता है। तो टोटल वैसे स्टेट ऑफ मैटर देखें तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन दो और होता है, एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और लास्ट होता है फिफ्थ नंबर वाला सबसे होता है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, सारे एक एक आयंस, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं अपने न्यूक्लियस से, और वो जो भी न्यूक्लियस है वो आयंस बन जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं, और वो क्लाउड एक होता है, सारे आयंस का क्लाउड होता है, उस स्टेट को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा स्टेट। तो इस तरह से फाइव स्टेट में से सॉलिड लिक्विड गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, तो इसमें से कौन कौन सा फ्लूइड में आ जाएगा, लिक्विड आएगा और गैसेस आएंगे और प्लाज्मा स्टेट भी, ये तीनों आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मेनली लिक्विड के बारे में सिर्फ काम करेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फेनोमेना। तो स्टोक्स लॉ क्या बता रहा है, स्टोक ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसने एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में ड्रॉप करेंगे, जैसे कि रेन ड्रॉप में भी ये काम करता है, तो रेन ड्रॉप जैसे क्लाउड से नीचे की तरफ आ रहा है, एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप आ रहा है अर्थ की तरफ, तो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस होते हैं, तो वो भी तो फ्लूइड है, तो वो जब नीचे आ रहा होगा तो क्या उसमें एयर ड्रैग फेस करना पड़ेगा, उसको एयर ड्रैग फेस करना पड़ेगा ना, जब वो वाटर मॉलिक्यूल नीचे आएगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल समझ रहे हैं हम, तो ये जब नीचे आएगा ऐसे तो एयर ड्रैग ये फेस करेगा, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा एयर, ऐसे ऊपर की तरफ, और नीचे क्यों आ रहा है, जब फोर्स ऊपर लग रहा है तो नीचे ये क्यों आ रहा है, अंडर ग्रेविटी आ रहा है, इसका कुछ मास है तो अर्थ पुल कर रही होगी इसको, तो ये अंडर ग्रेविटी नीचे आ रहा है, लेकिन ये विस्कस फोर्स ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा एयर ड्रैग, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा इस पे, तभी तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स विस्कस फोर्स से ज्यादा है, इसलिए ये रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है। लेकिन हाँ, ये उसको उसको थोड़ा स्पीड कम करेगा ये, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है ये, और ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, आप जितना फास्ट जाएंगे ना उतना ज्यादा आप पे विस्कस फोर्स लगेगा, जैसे आप मान लेते हैं बाइक बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक या स्कूटी चला रहे हैं आप, तो आप फास्ट चलाएंगे तो आप पे एयर ड्रैग ज्यादा लगता है, आपको पीछे की तरफ ज्यादा फील होता है कि ज्यादा एयर का मुझे फ्रिक्शन फेस करना पड़ रहा है, और स्लो चलेंगे तो कम एयर का फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा आपको, तो ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जितना फास्ट फास्ट जितना मूव करेगा उस पर ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई रेस में ऑब्जेक्ट है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg ही लगता है, और जैसे इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो ये mg फोर्स से ही नीचे आएगा, mg फोर्स ही लगेगा, और इसको मैं नीचे थ्रो भी ऐसे कर दूंगा, नीचे कुछ वेलोसिटी भी दे दूंगा ऐसे नीचे, तो भी ये जब मैं मेरे हाथ से ये डिटैच होगा तो उस समय ये अंडर ग्रेविटी ही, यानी अर्थ इस पे mg ही फोर्स लगाएगी, वो इसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपना फोर्स चेंज नहीं करेगी, लेकिन विस्कस फोर्स या एयर ड्रैग वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, अगर ज्यादा वेलोसिटी है तो ये फोर्स ज्यादा लगने लगता है। तो स्टॉक ने यही बताया कि द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स, इसको रिटार्डिंग क्यों बोला, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन के जैसा है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, तो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो एयर ड्रैग ऊपर की तरफ लग रहा है, तो द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स, उस विस्कस फोर्स का सिंबल FV लिखा है मैंने, एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, स्मॉल स्फेरिकल मतलब रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, रेन ड्रॉप का रेडियस आर मान लीजिए, मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन अ मीडियम, कौन सा मीडियम, यहाँ एयर है वो मीडियम,
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, उस मीडियम की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो भी होगी यहाँ पे लिखा जाएगा। वाटर में अगर वो मूव करेगा, कोई ऑब्जेक्ट बॉल मान लीजिए स्फेरिकल बॉल है, वो वाटर में अगर मूव कर रहा है उसके लिए भी ये वैलिड है। इटा इज गिवन बाय, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला बताया कि ये विस्कस फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू 6 pi, दिस इज कॉन्स्टेंट। ईटा, ईटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड, बट दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लिक्विड, मतलब ये तो है पूरा कॉन्स्टेंट है 6 pi, और ईटा क्या है लिक्विड चेंज होने पे चेंज हो जाएगा, एक लिक्विड के लिए कॉन्स्टेंट है ईटा, ठीक। अब आर मतलब रेडियस, किसका रेडियस, स्फेरिकल बॉल का, रेन ड्रॉप का, जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके लिए। तो आप बोलेंगे कि ये तो ऐसा भी रॉड भी गिर सकता है, तो रॉड के लिए ये फॉर्मूला नहीं बनाया गया है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल के लिए स्टोक्स लॉ है, तो उसका रेडियस कुछ होगा और वो किसी इंस्टेंट पे वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उस पर इतना विस्कस फोर्स लगेगा, 6 pi eta r v के बराबर लगेगा विस्कस फोर्स। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो ये फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा, ये दोनों तो नहीं चेंज होगा क्योंकि रेडियस तो कॉन्स्टेंट है, स्फेरिकल बॉल जितने रेडियस का है उतना ही रहेगा, ईटा भी कॉन्स्टेंट है अगर मीडियम कॉन्स्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी अगर इंक्रीज कराएंगे तो विस्कस फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। अब यूनिट की बात कर लेते हैं हम, इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट न्यूटन होता है, किसी भी फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ही है। अब न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है, ये यूनिट कैसे हो गया, तो देखिए जितने भी लोग होते हैं वो अपने नाम के, नाम कमाने के लिए काम करते रहते हैं कि मेरा नाम हो जाए समाज में, लोग मुझे जाने, तो साइंटिस्ट लोग भी यही काम करते हैं, लोग अपना नाम फेमस करने के लिए बहुत तरह की काम को करते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मूवी में काम करते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट सब भी चाहते थे कि उनका नाम हो जाए। तो फोर्स का यूनिट तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन नाम दे दिया गया उनको फेमस करने के लिए न्यूटन। तो वैसे ही ये ईटा का भी देखिए यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाएगा, वैसे ईटा का यूनिट में नए साइंटिस्ट के नाम की जरूरत नहीं थी क्योंकि ईटा का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट न्यूटन हो ही गया था पहले से न्यूटन, और ये आर में डिवाइड कर देता तो मीटर डिवाइड हो जाता इधर देखिए एफ, और 6 pi का तो कुछ यूनिट होगा नहीं, ये 6 pi तो कुछ यूनिट होगा नहीं, सिर्फ मुझे आर को और वी को डिवाइड कर देना है तो ईटा आ जाएगा, तो ईटा कितना आ जाएगा, आर और वी को मैंने डिवाइड कर दिया तो आर हो गया न्यूटन, और आर मीटर में मेजर करते हैं, रेडियस मीटर में ही मेजर करेंगे, और वी मीटर पर सेकेंड, स्पीड उसका मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये मीटर मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल होता है ना, तो ये पास्कल हो गया और अपॉन सेकेंड, तो पास्कल और ये सेकेंड यहाँ ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो पास्कल सेकेंड हो गया। अब ये जो पास्कल या न्यूटन लिखा जाता है, अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखना है, और पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, वैसे किसी का नाम तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन यूनिट एज ए यूनिट जब यूज करना होता है तो स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पास्कल लिखने का मतलब वो साइंटिस्ट का नाम से मतलब नहीं है कि मैं उस पास्कल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एज ए यूनिट यूज हुआ है, इसलिए इसका स्मॉल लेटर से रूल है लिखना। अब पास्कल सेकेंड आ गया, ये तो समझ में आ गया कि ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होना चाहिए पास्कल सेकेंड। अब फिर से इस पे काम किया था वैसली, साइंटिस्ट का नाम है, उसने काम किया था, तो पास्कल सेकेंड के जगह पर क्या नाम दे दिया उसका, इधर गया पास्कल सेकेंड, तो ये 1 pascal second को 1 Poiseuille नाम दे दिया गया कि ये इतना इसको बोलना है, 1 pascal second को क्या बोलना है 1 Poiseuille बोलना है, और 1 Poiseuille में कितना पॉयस होगा तो 10 Poiseuille होगा, तो ये सीजीएस यूनिट है, पॉयस क्या है सीजीएस यूनिट, और पॉयसलीज क्या हो गया या पास्कल सेकेंड क्या हो गया, ये दोनों ही एसआई यूनिट है, तो एग्जाम में एसआई यूनिट आएगा, तो ईटा का एसआई यूनिट ये दोनों ही है, ये भी एसआई और ये भी एसआई यूनिट ही है, दोनों एसआई यूनिट है, क्लियर हो गया क्या। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एसआई यूनिट ईटा का एसआई यूनिट हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पास्कल सेकेंड,
या क्वासलिज भी बोल सकते हैं, दोनों ही ऐसा यूनिट है, इसी को क्वासलिज लिखा जाता है, और इसका अदर यूनिट है क्वास। तो वन क्वासलिज में 10 क्वास होता है, तो क्वेश्चन में कभी क्वास में दे देगा तो उसको आपको क्वासलिज में कन्वर्ट करने आना चाहिए, कन्वर्ट करना है तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको एसआई सिस्टम में सॉल्व करना होता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल को। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए अगर क्वास में आंसर दिया है तो उसको क्वासलिज में कन्वर्ट करने आना चाहिए। वन क्वासलिज कितना होता है, 10 क्वास के इक्वल होता है। अब हम लोग ये सेकेंड स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, और उस टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने में इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है, इसलिए ये याद रखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड। अगर किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, नीचे गिर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक फ्लूइड ऐसे बना देता हूँ, ऐसे एयर ही मान लेते हैं, एयर है, ऐसे एयर है, और इसमें एक रेन ड्रॉप नीचे फॉल कर रहा है, ऐसे रेन ड्रॉप स्फेरिकल मान लेते हैं आर रेडियस का, ये जब नीचे आएगा तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, सोचिए आप इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। तो इस पे एक तो फोर्स mg लग रहा होगा, mg अर्थ का, और इस mg को मैं इसके वॉल्यूम के टर्म में अगर लिखूं तो इसका डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को मैं लिख दे रहा हूं। देखिए इसके डेंसिटी के लिए सिंबल हम लोग यूज कर देते हैं सिग्मा, और इसके वेलोसिटी के लिए सिंबल एयर, ये जो एयर पार्टिकल है इसके डेंसिटी के लिए सिंबल मैंने क्या किया है, रो यूज किया है, और इसको क्या किया है, सिग्मा यूज किया है, एस। तो इसका मास को क्या लिख सकते हैं, मास, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो इसकी डेंसिटी है सिग्मा और इसका वॉल्यूम को मैं वी मान लेता हूं, तो सिग्मा इंटू वी। अब ये मैं कैपिटल वी लूंगा, और इसकी जो वेलोसिटी है, जितने वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा होगा उस वेलोसिटी को मैं स्मॉल वी दिखा दे रहा हूं। तो ये स्मॉल वी क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और कैपिटल वी यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो क्या इंडिकेट करेगा, वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम है इस स्फेरिकल ड्रॉप का। तो mg में ये तो m हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम m हो गया, और यहाँ पे मुझे g लिखना पड़ेगा, तो क्या इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एफ ग्रेविटेशनल हो गया ना ये, और इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक वो लग रहा होगा स्टोक्स लॉ जो बताए थे वो लग रहा होगा ऊपर, इसके साइड का एयर इस पे फोर्स लगा रहा होगा, विस्कस फोर्स। तो एफ विस्कस का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, वी वेलोसिटी लिखना है, वॉल्यूम नहीं लिखना है, इसलिए कैपिटल वी नहीं लिखना है, स्मॉल वी, 6 पाई ईटा आर वी, ये विस्कस लग गया। और भी कोई लगेगा क्या, एक और इस पे फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स, जब भी कोई लिक्विड में इमर्ज होता है पार्शियल या फुल्ली ऑब्जेक्ट तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसे बॉयंट फोर्स बोलते हैं। आप इस फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, एक वाटर का बॉटल, वाटर बॉटल जो रहता है उसे एक बकेट में पानी भर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो, और उसको छोड़ेंगे तो वो ऊपर निकल जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा वो, है ना, ऐसा होता है ना। तो कुछ तो फोर्स बॉयंट फोर्स लगता होगा, वैसे ही बोट भी आप देखेंगे कि रिवर में बोट फ्लोट करते रहता है और सिंक नहीं करता है, यानी कि वो पानी कुछ तो ऊपर फोर्स लगाता होगा उस पर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज होता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है जिसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण करता है, कि लिक्विड में ऊपर कम प्रेशर होता है और अंदर जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर का डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में लगता है, यानी नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा देता है, तो उस फोर्स को ही बॉयंट फोर्स बोलते हैं। आर्किमिडीज ने बताया था कि इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला, तो आर्किमिडीज ने बताया था कि इस पे जो बॉयंट फोर्स लगेगा ना ऊपर, वो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ बी, मैं लिख देता हूँ, एफ बी मतलब फेसबुक नहीं है, एफ बी मतलब क्या है, बॉयंट फोर्स है ये। तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बताया था उसने कि मीडियम का डेंसिटी रो लिख दीजिए और जी, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है एयर का, तो जितना इसका वॉल्यूम है रेन ड्रॉप का उतना ही अपने आसपास एयर को डिस्प्लेस किया होगा, यहाँ का एयर कहीं और चला गया होगा, तो यहाँ भी वही मैं वी लिखूंगा जो ये वी था, ये वी और ये वी दोनों सेम हैं, अलग वी नहीं है ये, जितना रेन ड्रॉप का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होगा। तो आर्किमिडीज का जो फॉर्मूला था रो जी वी, वो भी मैंने लिख दिया। अब इसमें इतने सारे फोर्स लग रहे हैं,
अब शुरू में क्या होता है कि जब रेनड्रॉप फॉल करना स्टार्ट करता है क्लाउड से, इसका जर्नी स्टार्ट होता है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो होती है एकदम। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किए तो इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो लेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ड्रॉप करते हैं तो पहले से रेस्ट में रहता है और वो अंडर ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो पहले शुरू शुरू में ये ज्यादा होगा और ये दोनों मिलकर कम होंगे, और ये ज्यादा होगा और ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं ना, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, और ये क्या है नीचे है, ये बेचारा अकेला है, लेकिन अकेले भी इन दोनों से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तभी तो रेन ड्रॉप को अर्थ पे लेकर आ पा रहा है ये। अगर ये दोनों ज्यादा लगाते तो रेन ड्रॉप अर्थ पे आता ही नहीं, तो रेन ड्रॉप को ये अकेला खींच ले रहा है, ये दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे। रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है एक्सेलरेट करता हुआ, लेकिन रेन ड्रॉप एक्सेलरेट जब कर रहा है तो ये वेलोसिटी बढ़ रहा है उसका, रेन ड्रॉप का क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे इस रेन ड्रॉप का। और वेलोसिटी इंक्रीज करने से ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे, मतलब आर्किमिडीज भी चेंज नहीं होगा और न्यूटन भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये एफ इक्वल टू एम जी न्यूटन ने दिया था और बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज ने दिया था, और ये वाला फोर्स स्टॉक ने दिया था, स्टॉक साइंटिस्ट जो है। तो समझिए कि तीन लोगों में झगड़ा हो रहा है यार। न्यूटन बोल रहा है कि रेन ड्रॉप अर्थ पे आ जाए, अर्थ पे आ जाना चाहिए रेन ड्रॉप को, और ये बी कौन था, बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज, आर्किमिडीज बोल रहा है कि नीचे नहीं जा, वो रोक रहा है उसको बॉयंट फोर्स लगाकर, और स्टॉक भी बोल रहा है कि नहीं नीचे नहीं जाना है। तो स्टॉक और आर्किमिडीज दोनों मिल गए आपस में और न्यूटन बेचारा रह गया अकेला। फिर भी कौन जीतेगा इसमें बताइए, तो कौन जीतेगा, न्यूटन जीतेगा ना, तो न्यूटन का फोर्स ज्यादा है इन दोनों से, लेकिन न्यूटन तो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है और ये आर्किमिडीज भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन स्टॉक अपना फोर्स बढ़ाते जा रहा है, वो नीचे गिरने से रोकने के लिए ऐसे बढ़ाते जा रहा है और बढ़ाते जा रहा है। नीचे जाते समय जितना वेलोसिटी फास्ट हो रहा है उतना स्टॉक अपना फोर्स बढ़ाते जा रहा है स्टॉक। तो एक समय ऐसा आएगा ये फोर्स इंक्रीज कर रहा है और ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि बैलेंस हो जाएगा, मतलब इसके फोर्स के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का फोर्स आर्किमिडीज और ये दोनों मिलकर इक्वल कर लेंगे। शुरू में मान लीजिए ये 50 था और ये दोनों 10 10 थे, ये दोनों तो नीचे 30 से नीचे आएगा 30 फोर्स के साथ, लेकिन ये अपना फोर्स बढ़ा रहा है, तो बढ़ाते बढ़ाते ऐसा सिचुएशन आएगा कि नीचे 50 था तो ये दोनों मिलकर भी 50 कर लेंगे। अब उस सिचुएशन पे नेट फोर्स इस रेन ड्रॉप पे जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स जब जीरो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो रेस्ट में नहीं रहता है। नेट फोर्स जीरो रहने का मतलब ये है क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। नेट फोर्स जीरो रहने का मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सोचिए क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ, योर बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी जो बॉडी पहले से रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन अगर उसमें वेलोसिटी है तो वो मूव ही करता रहना चाहेगा। तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई है, अब तक ऐसा सिचुएशन होने तक, नेट फोर्स जीरो होने तक इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई है। अब अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो वो रेस में नहीं आएगा, वो वेलोसिटी मेंटेन रखेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया इस पे। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इन दोनों फोर्स और इसको इक्वल होने के बाद, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड के थ्रू मतलब एयर, यहाँ फ्लूइड है, फ्लूइड के थ्रू ये नीचे आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी हो गई उससे और ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगी, इसी वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे मिलेगा, तो नेट फोर्स जीरो करना है मुझे, देखिए तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, न्यूटन बेचारा अकेला है और ये दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स, और ये अकेला मुकाबला इन दोनों का किया है, दोनों इक्वल हो जाएंगे जब टर्मिनल मिलेगा उस समय। ये बोलता है कि मैं एम जी हूँ, सिग्मा वी जी, एम जी का वैल्यू क्या है, सिग्मा वी जी। वो दोनों बोलते हैं कि मैं ऐसा फोर्स लगाता हूँ, आर्किमिडीज बोल रहा है कि मैं बॉयंट फोर्स लगाता हूँ रो जी भी, और ये स्टॉक बोल रहा है कि मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा ईटा आर भी। अब ये जो भी होगा यही टर्मिनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है तो नेट फोर्स जीरो है। तो अब इसी को सॉल्व करने से आपको भी मिलने वाला है भी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम एक साइड में ले आते हैं,
तो 6 पाई ईटा आर भी ये वेलोसिटी है, ऐसे भी लिखिए, और ये दोनों उधर ले कर चले जाते हैं, रो और ये रो नहीं, इसमें कॉमन आ जाएगा वी और जी कॉमन आ जाएगा, वी और जी कॉमन आ गया, वॉल्यूम वाला भी है ये, वॉल्यूम वाला भी है, तो ये क्या आ गया बताइए, तो रो माइनस सिग्मा आ गया ना, रो और ये इधर आके गलत हो गया, ये इधर आएगा, राइट। एक्चुअली में क्या करते हैं, हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, तो जी और वॉल्यूम को मैं रख दे रहा हूँ कॉन्स्टेंट, जी और वॉल्यूम को, तो सिग्मा माइनस रो आ गया, और इधर तो बेचारा पूरा बचा हुआ है ये ईटा आर वी। अब क्या करें, वी मुझे निकालना है, वी मतलब वेलोसिटी, इन सबको डिवाइड कर दीजिए इधर, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जी और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 4/3 πr³, याद है ना, लिखते हैं वॉल्यूम को, स्फेरिकल रेन ड्रॉप है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ तो होता है स्फीयर का वॉल्यूम, तो जी वॉल्यूम को 4/3 πr³ मैंने लिख दिया, ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो, और ये लोग इधर डिवाइड हो जाएंगे आकर, कौन कौन डिवाइड हुए हैं, 6 डिवाइड हुआ है, पाई भी हुआ है, ईटा भी हुआ है, आर भी हुआ है, तो इसी से टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगा, तो ये आर ने देखिए आर को मार दिया, तो ये क्यू था, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, अब एक आर इसको कैंसिल कर देगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, पाई भी कैंसिल होगा, देखिए कि पाई ने पाई को भी मार दिया, इसने इसको मार दिया, अब क्या बचा, ईटा तो रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं करेगा भाई, ईटा रहेगा यहाँ, अब 4/3 ये इसको कैंसिल करते हैं, रुकिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 हो गया ये, तो अब न्यूमरेटर में क्या आया, फाइनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा इतना सा डेरिवेशन करना होता है, इतना सा काम करेंगे तो आपको 3 मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा, ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन आएगा, और इसके साथ न्यूमेरिकल है तो 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आया देख कर बताइए उधर से, 2 और 3 × 3 9, यानी 2/9, 2 और 3 × 3 9, और जी रहेगा और आर स्क्वायर रहेगा, तो आर स्क्वायर रहा और जी भी रहा, और नीचे ईटा भी रहा, एक ईटा भी रहा नीचे, और ये सब न्यूमरेटर में है, और ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो, इतना सा फॉर्मूला आया है, देख लीजिए 2/9 ईटा, ये 9 ईटा नीचे है और बाकी सब प्रोडक्ट में है, आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो, ये फाइनल फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो जैसा यहाँ कि आप देख सकते हैं कि आप ध्यान देना है, कभी कभी बुक में इसको रो माइनस सिग्मा लिख देगा, तो कौन सा डेंसिटी है, बुक वाला कभी क्या करता है कि एयर का डेंसिटी को सिग्मा, एयर का डेंसिटी मैंने क्या लिया है, रो लिया है, वो अगर एयर का डेंसिटी सिग्मा लेगा तो यहाँ सिग्मा लिखेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या शुरू में लिया हुआ था वही आपको फॉलो करना है, सिग्मा मैंने ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिया था, यहाँ रेनड्रॉप है तो सिग्मा मैं रेनड्रॉप का लिया, और रो मैंने एयर का लिया हुआ था तो रो एयर का यहाँ पे है, समझ गए, तो ऐसे आप डेरिवेशन कर सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। फिर आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली प्रिंसिपल ये सब करने वाले हैं, तो ये जल्दी ही कल या परसों में ये सब भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सब भी आप तक पहुँच जाए, और इसका एक बार खुद से डेरिवेशन करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो इतना ही आज के लेक्चर में रखते हैं, थैंक यू एवरीवन, बाय।